हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर में उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग कहाँ होता है, उपसर्ग का प्रयोग हम किस शब्दों के साथ किस स्थान पर करते हैं, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम उपसर्ग शब्द को दो भागों में बांटते हैं, अर्थात उपसर्ग शब्द को समझने के लिए सबसे पहले हम उपसर्ग शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। ये है शब्द आपका उपसर्ग। अब इस शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए, उप धन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना मतलब निर्माण करना या नया शब्द बनाना, किसी चीज का उद्भव करना, सृष्टि करना कहलाता है। अर्थात इसका मतलब हुआ किसी शब्द के समीप आता, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बना, नया शब्द क्या कहलाता है, उपसर्ग। ये हुआ उपसर्ग के संधि विच्छेद का अर्थ। उपसर्ग को हमने, उपसर्ग शब्द को हमने दो भागों में बांटा था, अर्थात उसका संधि विच्छेद किया तो हमें मिला उप धन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, निर्माण करना या बनाना। तो पूरा उपसर्ग का हमें क्या अर्थ मिला, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अब उपसर्ग की परिभाषा हम देखते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। देखिए, उपसर्ग की परिभाषा ये होती है, जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में, शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, क्या कहलाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्द हमारे उपसर्ग कहलाते हैं, अर्थात जो शब्दांश शब्दों के शुरुआत में प्रारंभ में जुड़ जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझें, तो उदाहरण के माध्यम से हम देखिए समझते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, सबसे पहले हम एक शब्द ले लेते हैं, शब्द है हमारा हार। ये हार जो है हमने एक शब्द लिया, इसके आगे अब हम शब्दांश जोड़ेंगे अर्थात उपसर्ग जोड़ेंगे। इस हार शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है इसका,
पराजय। इस हार शब्द का अर्थ है पराजय, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, उपसर्ग, पहला उपसर्ग हम जोड़ते हैं प्र, प्रधन हा, प्रधन हा। तो देखिए हमारा क्या नया शब्द बनता है, प्रहार। प्रहार का क्या अर्थ हो गया, प्रहार का अर्थ हो गया आक्रमण करना या चोट करना, आक्रमण करना। देखिए उपसर्ग लगाने से हमारे शब्दों के अर्थ में भिन्नता आ गई। हार का अर्थ प्रहार था, हार का अर्थ पराजय था, लेकिन अगर इसी हार में हमने प्र उपसर्ग लगा दिया तो हमारा प्रहार बन गया, जिसका अर्थ हो गया हमारा आक्रमण करना। इसी प्रकार हम हार शब्द में अगला प्रत्यय लगाते हैं आहार, आधन हार। तो ये हो गया हमारा आहार। आहार का मतलब क्या हो गया, आहार मतलब होता है भोजन। अब हार शब्द में और कौन सा उपसर्ग हम लगा सकते हैं, वी लगा दिया था, वी उपसर्ग लगा देते हैं, वी धन हार, विहार। विहार मतलब हो गया घूमना, विहार। विहार शब्द का अर्थ होता है घूमना। देखिए सिर्फ उपसर्ग, एक छोटा सा शब्दांश जोड़ने से हमारे हार शब्द में क्या क्या परिवर्तन होता है। अब अगला हम लेंगे संहार, सम धन हार, इसका अर्थ हो गया संहार। और संहार मतलब होता है विनाश, संहार मतलब होता है विनाश। देखिए हमारा शब्द वही है हार, शब्द हमारा सब जगह हार है, लेकिन हमने क्या परिवर्तन किया है, सिर्फ उपसर्ग को परिवर्तित किया है। उपसर्ग के परिवर्तित होने से हमारे शब्द के पूरे अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है।